हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल लखनऊ ब्लॉगर निशी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ। तो यह है मॉर्निंग का टाइम, तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ झाड़ू लगाने। तो मेरा क्या हुआ है कि लंच वगैरह सब बन चुका है, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर जा रही हूँ झाड़ू पोछा करने, झाड़ू पोछा डस्टिंग ये सब करना है। उसके बाद फिर मुझे नहाना है और बेटू अभी सो रहा है और उसके पापा जो हैं वो ऑफिस के लिए मतलब निकल चुके हैं। और यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने लंच बना लिया है, बस मुझे डस्टिंग वगैरह करना, झाड़ू पोछा यही सब करना है। उसके बाद फिर मैं नहाने के लिए जाऊँगी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये डर लगा है कि मैं अपना जल्दी जल्दी काम कर लूँ, नहीं तो बेटू भी उठ जाएगा। तो इसीलिए मैंने लंच पहले बना लिया है कि अगर वो उठ जाएगा तो कोई बात नहीं, ये सब काम मतलब छोड़ देंगे, बाद में करेंगे, लंच बना रहेगा तो सही रहेगा। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी, मतलब मैंने झाड़ू पूरा लगा लिया था, बस मैं उसके बाद चली गई थी बाथरूम में। क्या हुआ था कि कुछ मैंने डोर मैट जो था वो रखे थे भिगो के साफ़ करने के लिए, तो फिर मैंने कहा कि अभी उसको भी साफ़ करना है, उसके बाद फिर नहाना वहाना है कपड़े धुल के, और अभी पोछा मतलब बहुत अच्छे से मुझे लगाना था पूरा अंदर से लेके बाहर तक, कुछ जगह धुल के लगाना था, कुछ जगह ऐसे। तो मतलब फिर मैंने सोचा कि अगर अभी बेड टूट जाएगा तो फिर मेरा नहाना वहाना रुक जाएगा, फिर मेरे कपड़े मतलब भीगे भी रहेंगे, मैं कैसे क्या करूँगी। तो मैंने सोचा चलो ठीक है। क्या हुआ कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि अब बेड उठने ही वाला है, तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया था लेकिन मैंने पोछा नहीं लगाया था, फिर मैं ही पोछा लगाने जा ही रही थी लेकिन मैं वहीं पर रुक गई। फिर मैं चली गई थी बाथरूम में, मतलब क्या हुआ कि जो भिगोए थे मैट उसको मैंने वॉश किया अच्छे से, और वो वॉश करके बस धुलने ही जा रहे थे, पता चला बेटू उठ गया। इतने में मम्मा मम्मा करने लगा, तो मैं बोली बेटू आ रहे हैं, रुक जाओ बेटू 5 मिनट, लेकिन वो बिल्कुल 5 मिनट भी नहीं रुक रहा था। तो मैंने जैसे तैसे वहाँ से मैं निकली बाथरूम से, पहले उसको आई उसके पास, थोड़ी देर उसको पैम्पर किया, उसको मतलब अच्छे से मतलब बहला फुसला के, फिर उसको किसी तरीके से मना के मैंने उसको छोड़ा, तो वो मान गया। तो मैं फिर चली गई जल्दी से, मैंने कहा क्या हुआ था कि जो मैंने ये डोर मैट वगैरह वॉश किए थे तो मेरे कपड़े जो थे अच्छे खासे भीग गए थे, तो मैंने कहा इसी से मैं नहा ले तो सही रहेगा, नहीं तो क्या करता है कि जब सो के उठता है तो मतलब उसको मतलब मम्मा की गोदी में आना होता है, तो मैंने कहा कि कपड़े अगर भीगे हैं तो फिर कैसे क्या करेंगे। तो मैंने कहा बेटू मैं बस अभी नहा के आती हूँ, आप रुक जाओगे 5-10 मिनट। तो उसने मतलब कहा हाँ मम्मा आप जाओ नहा लो। तो मैं आ गई थी बाथरूम में, उसके बाद जो डोर मैट जो था मतलब मैंने उसको वॉश कर लिया था, बस धुलना ही था, मैंने उसको धुला उला और फिर मैंने कपड़े उपड़े वॉश करके मैं जल्दी से मतलब नहा के आ गई। तो फिर क्या हुआ कि पोछा लगाने जा रहे थे लेकिन फिर पोछा को मैंने वहीं पे स्किप कर दिया था, फिर मैंने बाद में शाम को पोछा लगाया था। तो यहाँ पे ये देखिए कितने ढेर सारे कूड़े निकले हैं, लग रहा है जैसे कितने दिन झाड़ू नहीं लगा। क्या होता है कि कुछ भी सामान होता है बस बेटू उठा के मतलब फेंक देता है, इसमें कुछ है नहीं, बस यही सब है, मतलब अच्छे खासे पेपर वगैरह या कुछ भी ऐसे रखे रहते पॉलीथीन वगैरह, तो वो उठा के सब फेंक देता है, तो वही सब कूड़े निकलते हैं। तो यहाँ पे जो कूड़े हैं मैं उसको इकट्ठा करके फिर इसी पॉलीथीन में मतलब मैं सब इकट्ठा कर लूँगी। और अभी जब मैं इसको मतलब झाड़ू लगा ही रही थी और तब तक मतलब मुझे डर ही लग रहा था पोछा लगाएं कि ना लगाएं, लेकिन फिर कहो मैंने अच्छा क्या स्किप कर दिया पोछा लगाना, क्योंकि मैं जैसे फिर मैं बाथरूम में गई वैसे ही वे टूट गया था। तो हमने कहा चलो अच्छा डिसीजन लिए थे, पोछा नहीं लगाए थे, शाम को लगाया फिर बाद में। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो न्यू व्यूअर्स हमारे चैनल पे आते हैं अगर उनको वीडियो पसंद आती है तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और क्या हुआ गाइज की मतलब अब मतलब मेरा बिल्कुल भी वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, क्योंकि ऐसा मतलब होता है कि इतने मेहनत से वीडियो बनाओ और इतने दिन हो गए और आपके चैनल जो ग्रो नहीं करते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, जैसे लगता है कि मतलब मेहनत करो सफलता ना मिले तो बेकार है, तो ऐसा लगता है, तो डीमोटिवेट हो जाना पड़ता है। इसलिए मैं अब बहुत कम मतलब किसी तरीके से मैं
मतलब सोचती हूँ कि वीडियो बनाऊँगी बनाऊँगी, लेकिन फिर मन ऐसा होता है कि नहीं नहीं बनाएंगे कभी कभी, फिर होता है कि अच्छा चलो थोड़ा बहुत बना के डाल ही देते हैं। तो बस ऐसा ही है कुछ, तो बिल्कुल भी अंदर से मतलब मन नहीं करता वीडियो बनाने का, क्योंकि मतलब हाँ थोड़ा बहुत मतलब ऐसा लगे कि हाँ रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, आप मेहनत कर रहे हो, तो फिर अंदर से मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आप मेहनत करते हो और उस जगह जहाँ पे मतलब आपको मतलब बड़े मुश्किल से वीडियो बना मिलता है, क्योंकि जब आपके पास छोटा बच्चा है और आप खुद मतलब देखने वाले हो, आपके आसपास कोई नहीं है, तो क्योंकि हस्बैंड है तो वो सुबह निकल गए, फिर उनको रात में ही आना होता है, तो जो कुछ है पूरा दिन मतलब रात मुझे ही बच्चे को अपने देख के सब काम करना पड़ता है, और उसके साथ में वीडियो भी बनाओ, तो क्या होता है कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो अगर मतलब टीवी वगैरह में भी कुछ लगाओ तो नहीं देखता है, कहता है मम्मा मोबाइल से ही देखेंगे, तो क्या होता है कभी हाँ कि मतलब मोबाइल में उसको मतलब कुछ दे दो थोड़े बहुत देर के लिए देखने के लिए, तो देखता है, तो ये होता है कि चलो बच्चा वहाँ बिजी है तो जल्दी जल्दी चलो कान निपटा लो, तो उस तरीके से कभी कभी तो क्या होता है कि मोबाइल ही नहीं खाली रहता है जब कोई काम वगैरह करो तो फिर क्या बाद में वीडियो शूट करो कुछ समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि जब आप कुछ काम करते रहते हो वीडियो बनाने का होता भी है तो आपके पास मोबाइल नहीं होता है, तो बहुत मुश्किल से मतलब वीडियो बन पाता है। आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे, जिसके पास छोटा बच्चा होगा तो बहुत अच्छे से समझ रहा होगा, क्योंकि इस तरीके से मतलब ये होता है कि एक वीडियो बनाओ और एक होता है कि बहला फुसला के जल्दी से मतलब काम करके किसी तरीके से अपना हटाओ, तो वीडियो कहाँ बना मिलता है। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।